हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु में। JEE एडवांस परीक्षा 2019 का ऑनलाइन फॉर्म किस दिन से भरा जाएगा, हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और लगे कि यूज़फुल है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि JEE एडवांस परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म किस तारीख से भरा जाएगा। दोस्तों, 3 मई से JEE एडवांस के लिए होंगे आवेदन। JEE एडवांस के लिए 3 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि विदेशी उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई है, यानी 3 मई से लेकर 9 मई तक आपका अप्लाई कर सकते हैं एडवांस के लिए। 20 मई से छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, यानी 20 मई से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। JEE एडवांस कराने की जिम्मेदारी इस बार IIT रुड़की की है। 27 मई को देश भर में एक साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। JEE एडवांस के लिए इस बार JEE मेन से करीब 2.5 से 3 लाख तक छात्रों का क्वालिफाई कराने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार लड़कियों के लिए विशेष सुपर न्यूमेरी का कोटा 14 से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। यही नहीं, गरीब स्वर्ण आरक्षण भी IIT और NIT संस्थानों में लागू किया जा रहा है। ऐसे में IIT, NIT, IIIT और JFTI संस्था में करीब 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इन बढ़ी सीटों पर पूरी तरह से एडमिशन हो, इसका ख्याल भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रखना है। पिछली बार JEE एडवांस के लिए करीब 2,25,000 छात्र क्वालिफाई हुए थे। JEE एडवांस में कभी भी करीब 30,000 छात्रों को क्वालिफाई कराने की तैयारी है। पिछली बार 18,138 छात्र JEE एडवांस में क्वालिफाई हुए थे, लेकिन इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिसके बाद मेरिट नीचे करते हुए छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA JEE मेन का परिणाम इस सप्ताह घोषित कर सकता है। NTA के अधिकारियों का कहना है कि परिणाम जारी करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो जैसे ही JEE मेन का रिजल्ट आएगा, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।